हेलो दोस्तों, BinaryTube प्रयागराज में मैं अतुल शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ। सी लैंग्वेज में हमने अभी तक देखा डेटा टाइप, कांस्टेंट, वेरिएबल, आज हम देख रहे हैं आगे कीवर्ड। कीवर्ड में क्या होता है दोस्तों? कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड। कीवर्ड क्या होता है? रिजर्व वर्ड होते हैं, मतलब कंपाइलर को बनाते समय या फिर सी लैंग्वेज को बनाते समय जो हम कुछ भी वर्ड बनाते हैं वो हमारा किसी कैटेगरी में आता है, कीवर्ड की कैटेगरी में आता है। ये पहले से हमारे उसमें स्टोर होते हैं, बस हमें इन्हें क्या करना है, एज ए डिक्शनरी वर्ड हमें इनको सिर्फ यूज करना है। जब हम इन्हें यूज करेंगे तो थोड़ी सी दो बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। पहली, जिससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन आता है, पहली बात तो ये कि कीवर्ड हमारे कभी अपर केस में नहीं लिखे जाते, सारे के सारे कीवर्ड लोअर केस में लिखे जाएंगे। लोअर केस मतलब छोटे अक्षरों में। दूसरी बात दोस्तों, कि कीवर्ड जब अपने प्रोग्रामिंग आईडीई में लिखते हैं, जैसे हम टर्बो सी प्लस प्लस का यूज करें, तो वहाँ पे होता क्या है कि जब इस आईडीई का हम यूज करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वाइट कलर के हो जाते हैं, जिससे हमें पहचान में आ जाता है ये क्या होता है, हमारे कीवर्ड होते हैं। ये अपनी संख्या में कितने होते हैं? 32 होते हैं। ये मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि कीवर्ड कितने होते हैं दोस्तों? 32 होते हैं। इससे रिलेटेड दो टर्म हमें और याद रखना होगा, किसे हम बोलते हैं, या तो रिजर्व वर्ड, क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड, या फिर प्री डिफाइंड वर्ड, या तो फिर क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड। ऐसे वर्ड जो पहले से डिफाइंड है इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड बोलते हैं। तो अब इसमें देखो, ये ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कांस्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, सार्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वाइड, वोलाटाइल एंड वन। इस तरीके से दोस्तों हमारे पास हुए कितने कीवर्ड? 32 कीवर्ड। अब इन 32 कीवर्ड्स की मदद से हम अपने क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग को प्रोग्राम बनाते हैं, अपने प्रोग्राम में जगह जगह पर समय समय पर हम इसका क्या करते जाते हैं, यूज करते जाते हैं। यह तो हुई बात दोस्तों कीवर्ड की। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप की। अभी इसके आगे हमने क्या देखा कि हमने बेसिक में देखे कि हमने आइडेंटिफायर पढ़ा, आइडेंटिफायर में हमने कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड पढ़ा। कीवर्ड के बाद फिर हमने क्या देखा, वेरिएबल, वेरिएबल नेम। अब हम बात पे चलते हैं अपने इंस्ट्रक्शन की तरफ। किसके तरफ? इंस्ट्रक्शन की तरफ। हमने देखा था कि हमारे चार तरीके के इंस्ट्रक्शन होते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं? पहला था हमारा डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। सेकेंड था हमारा इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। थर्ड था हमारा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, और फोर्थ था आपका कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। चार तरीके कुल मिला के हमने इंस्ट्रक्शन देखे थे। अब इन्हीं इंस्ट्रक्शन पे हम बात करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन की बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे डेटा टाइप की। इसकी बात करेंगे डेटा टाइप की। देखो डेटा टाइप होता क्या, डेटा टाइप होता क्या है? द काइंड ऑफ डेटा दैट द वेरिएबल में होल्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिफर्ड टू एज डेटा टाइप। कहने का मतलब दोस्तों ये, डेटा टाइप वो डेटा टाइप वो टाइप होता है, मतलब समझो डेटा टाइप, टाइप ऑफ डेटा, डेटा का प्रकार, मतलब कि सी लैंग्वेज में हम जब प्रोग्राम बनाएंगे, जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो सॉफ्टवेयर जिस तरीके के डेटा को हैंडल करेगा, उस डेटा को स्पेसिफाई करना है, उस डेटा का स्पेसिफिकेशन क्या कहलाता है, डेटा टाइप कहलाता है। जैसे हमें अगर इंटीजर टाइप के डेटा का यूज़ करना है तो इंटीजर डेटा टाइप हो गया, फ्लोट टाइप के डेटा का यूज़ करना है तो फ्लोट टाइप का डेटा यूज हो गया। तो कहने का मतलब ये कि डेटा टाइप रेफर्स टू टाइप ऑफ कांस्टेंट, टाइप ऑफ कांस्टेंट मतलब वैल्यूज डेट कैन बी स्टोर इन अ वेरिएबल। एक वेरिएबल जिस टाइप के डेटा का, जिस टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है वह उसका क्या कहलाता है, डेटा टाइप कहलाता है। जब हम कभी कोई वेरिएबल बनाते हैं, जब भी हम कभी कोई वेरिएबल बनाएंगे तो उसके साथ और वेरिएबल लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे, डेटा टाइप जरूर लिखेंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे हमारा कंपाइलर यह समझता है कि हमने जो वेरिएबल बनाया, वेरिएबल मतलब एक मेमोरी लोकेशन का नाम जो कि किसी डेटा को रिप्रेजेंट करता है, इसमें किस तरीके का हम डेटा रख सकते हैं। डेटा टाइप केवल इसी तरीके से बात को हमें समझाता है, कंपाइलर को बताता है कि हमारा इस तरीके का डेटा रख सकता है। जैसे अगर हम बात करें
कि हमें लिखना है ए और बी, ये ए और बी क्या है हमारे, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो यह देखो दोस्तों धीरे धीरे आप पहचानना सीखिए, पहचानेंगे मज़ा आएगा आपको, धीरे धीरे आपको ये चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। अब यह क्या है, एक कैरेक्टर है और यह क्या है, एक वेरिएबल है। भाई ये ए और बी बिल्कुल सेम जैसे, मैं इसको चलो ए ही लिख देता हूँ, ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। क्योंकि देखो ये क्या हो, वेरिएबल क्यों है, ये सिंगल कोट में है, ये सिंगल कोट में है तो ये क्या कहलाएगा, कैरेक्टर कहलाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट होता है और ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। ये इस ए के अंदर कुछ भी हो सकता है, इस ए के अंदर हम जेड भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये ए हमारा जेड को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ये एक तरीके का वेरिएबल हुआ। देखो सी लैंग्वेज में कुल मिला के बेसिकली थ्री बेसिक डेटा टाइप होते हैं, जिसको हम प्राइमरी डेटा टाइप या फिर सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप या फिर सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप। तो ये कौन कौन से होते हैं, इंटीजर, फ्लोट या फिर इसको रियल भी नाम से भी जानते हैं, और तीसरा क्या होता है, कैरेक्टर। ये बेसिक हमारे थ्री होते हैं, मतलब बेसिक मतलब प्राइमरी, मतलब सबसे पहले वाले जिसको हमें एज ए बिगिनर सीखना चाहिए, एज ए न्यू स्टूडेंट हम जिसको समझते हैं, तो हमारे तीन ही होते हैं। ये डेटा टाइप है, अरे सर हमने तो इसको किस में पढ़ा था, कांस्टेंट में पढ़ा था, कांस्टेंट भी होते हैं, हाँ ये कांस्टेंट भी होते हैं, कांस्टेंट मतलब वैल्यू का टाइप, और डेटा टाइप क्या करते हैं, वही डेटा टाइप है। अब बस इस बात को समझिए कि ये एज ही यूज होते हैं, वो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वो हमारे क्या थे, डेटा टाइप, कांस्टेंट थे, और ये हमारे क्या है, डेटा टाइप है। तो बेसिक से हमारे पास तीन होते हैं, इंट, देखो इंट इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ये इंटीजर कांस्टेंट को होल्ड करता है, इंट इसको क्यों बोला गया, क्योंकि इंटीजर कांस्टेंट की वैल्यू को होल्ड करता है। फ्लोट मतलब क्या, ये किसी वैल्यू के फ्रैक्शनल पार्ट या फिर जो वैल्यू फ्रैक्शन में होते हैं उसकी वैल्यू को होल्ड करता है, करेक्टर जो कि करेक्टर वैल्यू होती है उसको होल्ड करता है। तो इसका ऑल ओवर इसको हम समझते कैसे हैं, पहले इस बात को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो तो जो इंटीजर कांस्टेंट हो, इंटीजर डेटा टाइप होगा, ये इंटीजर डेटा टाइप हमारा -32768 मतलब -32768 से लेके 32767 तक की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। अब ये बात आपको समझ में नहीं है कि सर आप कौन सी बात कर रहे हैं, कहने का मतलब दोस्तों ये कि जैसे मान लेते हैं हमने लिखा ए, ये ए हमारा वेरिएबल है और इसके पहले हमने क्या लिखा दिया, इंट लिख दिया, इसके पहले हमने क्या लिख दिया, इंट। ये इंट हमारा क्या है, डेटा टाइप है, ये इंट हमारा क्या है, डेटा टाइप है। डेटा टाइप कहने का मतलब ये इंटीजर टाइप, इंट डेटा टाइप है जो कि वेरिएबल का टाइप बता रहा है, ये वेरिएबल नेम हुआ और ये डेटा टाइप हुआ। और अगर इसमें हम वैल्यू रखें 10, वैल्यू हमने क्या रखा 10, अब ये लाइन हमारी सही हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन या फिर डिक्लेरेशन ऑफ डेटा टाइप। मतलब हमारा इंट टाइप का एक वेरिएबल है, इंट ए नाम का एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, इंटीजर इसका क्या है, डेटा टाइप है, इंटीजर दोस्तों क्या है, इसका डेटा टाइप है, और ये इसका वेरिएबल नेम है, ये इसका क्या है, वेरिएबल नेम है, और ये इसकी वैल्यू है जिसको हम बोल सकते हैं ये एक तरीके का कांस्टेंट है, 10 हमारा कांस्टेंट ए इंट। देखो जब ये हम लाइन लिखेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा, हमारी मेमोरी में जो रैम में जो कुछ जगह होती है उसमें किसी जगह का नाम ए दे दिया जाएगा, और ये कितनी जगह स्टोर करेगा ये बात हमारा कौन डिसाइड करता है, इंटीजर डिसाइड करता है, क्योंकि इंटीजर जो होता है मेमोरी में 2 byte की जगह कंज्यूम करता है, कितने byte की जगह कंज्यूम करता है, 2 byte की जगह कंज्यूम करता है। फ्लोट जो हमारा होता है 4 byte की जगह कंज्यूम करता है, और कैरेक्टर जो होता है हमारा 1 byte की जगह कंज्यूम करता है। दोस्तों इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इंटीजर हमारा 2 byte, फ्लोट हमारा 4 byte, करेक्टर हमारा 1 byte, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नंबर मिलने वाला है। इंटीजर की रेंज पूछी जाती है, इंटीजर कितने डेटा को हैंडल कर सकता है, तो मतलब जो वैल्यू होती है, वैल्यू का मतलब ये, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 32768, तो देखो 32768 एक ऐसा डेटा है जो कि इससे ज़्यादा है, तो मतलब ये इंटीजर की कैटेगरी में तो नहीं आएगा, इंटीजर की कैटेगरी में ये
नहीं आएगा। तो फिर किसकी कैटेगरी में आएगा ये? ये आ जाएगा लॉन्ग इंटीजर कैटेगरी में आ जाएगा, जो कि एक अलग ही डेटा टाइप है, इसको हम आगे समझेंगे। तो कहने का मतलब ये कि 32,000 माइनस 32,767 से लेके 32,767 तक की, यहाँ पे मोस्टली कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को, वो 678 यहाँ पे भी समझ लेते हैं 678 है, ऐसा नहीं है, 767 तक की वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है। इंटीजर 2 byte, फ्लोट हमारा 4 byte और करेक्टर हमारा 1 byte की मेमोरी को क्या करता है, कंज्यूम करता है। ये हो गए हमारे बेसिक से डेटा टाइप। इसके अलावा अगर हम डेटा टाइप की बात करें, एज अ बिगिनर हमारे पास 5 डेटा टाइप होते हैं। एज अ बिगिनर हमारे पास कितने डेटा टाइप होते हैं? 5 डेटा टाइप होते हैं जिनको हमें क्या करना है, यूज करना है। वो डेटा टाइप हमारे होते हैं इंट, फ्लोट और कैर। इंट मतलब इंटीजर, फ्लोट मतलब फ्लोट या फिर रियल, कैर मतलब कैरेक्टर। अब दोस्तों यहाँ पे बात, इसके अलावा और एक होता है, वो होता है डबल और एक होता है वाइड। डबल और क्या? वाइड। देखो इंटीजर को हमने समझ लिया कि इंटीजर एक ऐसी वैल्यू जो कि पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, लेकिन दशमलव में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। फ्लोट क्या है? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यू जो कि दशमलव में होनी ही चाहिए। करेक्टर मतलब ऐसी वैल्यू जो कि सिंगल कोट में हो और अकेली हो, जो कैसा हो, अकेला हो। डबल मतलब देखो जब कभी फ्लोट की वैल्यू, कभी जैसे हमने लिखा 4.382, नॉर्मल हमारा जो फ्लोट होता है ये सिंगल प्रिसीजन या फिर डबल प्रिसीजन को स्टोर करता है। सिंगल प्रिसीजन या फिर डबल प्रिसीजन, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो, ये बात तो कंटिन्यू रखते हैं। 3.2 तो दशमलव के बाद सिंगल मतलब सिंगल प्रिसीजन, 3.22 डबल प्रिसीजन, 3.3 हमने कर दिया तो ट्रिपल प्रिसीजन को या नॉर्मल हमारा फ्लोट क्या करता, सपोर्ट नहीं करता, या फिर ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो गई तो इसको सपोर्ट नहीं करता। तो फ्लोट को हमें बड़ा करने के लिए, तो फ्लोट हमारा अगर बड़े डेटा को हैंडल कर रहा है, फ्लोट हमारा अगर किसी बड़े डेटा को हैंडल कर रहा है, तो ऐसे डेटा को हैंडल करने के लिए हम फ्लोट से पहले डबल लगा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा फ्लोट, हमने लिख दिया एक राम। ये दोस्तों राम हमारा क्या है? वेरिएबल नेम है। ये हमारा क्या है? डेटा टाइप है। हमने इस पे वैल्यू क्या रखी? 3328.789। अब देखो यहाँ पे ये डबल प्रिसीजन से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर नहीं करता, इससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? डबल। अब यह हमारा इस वैल्यू को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। मतलब अब इसको कितने बाइट की जगह मिल जाती है मेमोरी में? 8 byte की जगह मिल जाती है। बस हमें इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, डबल लगाने से 8 byte की। वाइड एक ऐसा डेटा टाइप है जिसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। किस टाइप का डेटा है, आप किसी भी तरीके का डेटा का यूज़ करिए, ये बस एज अ गाइड के तौर पे, एज अ समझ लीजिए चौकीदार के तौर पे देखता रहता है कि आप किस तरीके का डेटा का यूज़ करते हैं। ये किसी स्पेसिफाइड डेटा को हैंडल नहीं करता, ये हर तरीके को डेटा को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, जिसको हमें आगे हम फंक्शन चैप्टर में डीपली पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा डेटा टाइप, डेटा टाइप होते क्या हैं, डेटा टाइप का कितने होते हैं, और एक वर्ड इसमें से पूछा जाता है, आपको ध्यान देना होगा, एक पॉइंट पूछा जाता है आपसे, प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या पूछा जाता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप। देखो दोस्तों ये प्रिमिटिव डेटा टाइप होते क्या है, ऐसे डेटा टाइप, देखो बात को नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टाइप पॉइंट में है कि ऐसे डेटा टाइप जो कि डेटा टाइप होने के साथ साथ कीवर्ड भी हैं, मतलब डेटा टाइप होने के साथ साथ क्या है, कीवर्ड भी हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने नंबर में है? 5 है। वो 5 आपके यही 5 हैं, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, वाइड, यही हमारे 5 ऐसे डेटा टाइप हैं जो कि डेटा टाइप होने के साथ साथ में क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप भी होते हैं। बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है।